भैया दूज की पौराणिक कथा, क्योंकि दीपावली के पर्व का अंतिम पड़ाव है भाई दूज, तो ये पूरी पौराणिक कथा यमराज और यमुना की आपको सुननी चाहिए कि यमुना यमराज की बहन थी। सभी भक्त गणों को राम राम, प्रेम से बोलिए सीताराम, राधे कृष्ण, हर हर महादेव। तो शुरुआत करते हैं इस पौराणिक कथा की। भैया दूज का जो पर्व है वो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। इस दिन बहनें रोली और अक्षत से अपने भाई का तिलक करके उसके उज्जवल भविष्य की कामनाएं करती हैं, उसको आशीष देती हैं। और भैया दूज की इस पौराणिक कथा का भी बड़ा महत्व है कि इस दिन ये कथा आपको सुननी चाहिए ताकि आपकी जो भैया दूज का जो पर्व है वो पूर्ण हो सके। भैया दूज के संबंध में पौराणिक कथा, सूर्य की पत्नी संज्ञा से दो संतानें थीं, पुत्र यमराज और पुत्री यमुना। संज्ञा सूर्य का तेज सहन न कर पाने के कारण अपनी छाया पूर्ति का निर्वाण कर उन्हें ही अपने पुत्र पुत्री को सौंप कर वहाँ से चली गई। छाया को यम और यमुना से अत्यधिक लगाव तो नहीं था, किंतु यमुना अपने भाई यमराज से बड़ा प्रेम रखती थी। यमुना अपने भाई यमराज के यहाँ प्राय जाती थी और उसके सुख दुख का हालचाल पूछा करती थी। यमुना यमराज को अपने घर पर आने के लिए भी आमंत्रित करती, किंतु व्यस्तता के कारण अत्यधिक दायित्व यमराज पर था तो वे उसके घर नहीं जा पाते थे। एक बार कार्तिक शुक्ल द्वितीया को यमराज अपनी बहन यमुना के घर अचानक पहुंच जाते हैं। बहन के घर जाते समय यमराज ने नरक में निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। वह यमुना बहन यमुना ने अपने सहोदर भाई का बड़ा आदर सत्कार किया और विधिवत व्यंजने बनाकर उन्हें भोजन कराया तथा उनका भाल पर तिलक लगाया। और जब वे वहां से चलने लगे तब उन्होंने यमुना से कोई भी मनोवांछित वर मांगने का अनुरोध किया। तो यमुना ने उनके आग्रह को देखकर कहा, भैया यदि आप मुझे वर देना ही चाहते हैं तो वर दीजिए कि आज के दिन प्रतिवर्ष आप मेरे यहाँ जरूर आएंगे और मेरा जो आतिथ्य है वो स्वीकार करेंगे। इस प्रकार जो भी भाई अपनी बहन के घर जाकर उसका आतिथ्य स्वीकार करें तथा उस दिन जो बहन अपने भाई को टीका करके भोजन खिलाए उसे आपका भय न रहे। इसी के साथ उन्होंने यह वरदान भी दिया कि यदि इस दिन भाई बहन यमुना नदी में डुबकी लगाएंगे तो वे यमराज के प्रकोप से बचे रहेंगे। यमुना की प्रार्थना को यमराज ने स्वीकार कर लिया। तब से भाई बहन का यह त्यौहार मनाया जाने लगा। भैया दूज त्यौहार का मुख्य उद्देश्य भाई बहन के मध्य सद्भावना, एक दूसरे के प्रति निष्कपट प्रेम प्रोत्साहित करना और भैया दूज के दिन ही 5 दिनों का जो चलने वाला दीपोत्सव त्यौहार का समापन हो जाता है। और इसी दिन अगर अपनी बहन न हो तो ममेरी फुपेरी मौसेरी बहनों को भी आप उपहार दे सकते हैं, उनके यहाँ भी आप भाई दूज का भोजन प्राप्त कर सकते हैं। और जो पुरुष यम द्वितीया को बहन के हाथ का खाना खाता है उसे धर्म धन अर्थ आयुष्य और विविध प्रकार के सुख मिलते हैं। साथ ही यम द्वितीय के दिन शाम को घर में बत्ती जलाने से पहले घर के बाहर 4 बत्तियों से युक्त दीपक जलाकर दीपदान करना भी फलदायी बताया गया है। भाई दूज और रक्षाबंधन के बीच समानांतर और अंतर क्या है वो आपको बता देते हैं। भाई दूज के दिन रक्षाबंधन दोनों भाई बहन के त्यौहार हैं, लेकिन दोनों पूजा करने के नियम भी लगभग समान हैं। रक्षाबंधन में बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं, जबकि भाई दूज पर माथे पर टीका लगाती हैं। भाई दूज का मुख्यतः भाइयों का अपनी विवाहित बहनों के घर जाकर तिलक लगवाते हैं, जबकि रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई के घर आकर
रक्षा सूत्र बांधती हैं। तो दोनों कहानियों में फ़र्क ये है कि दौज पर आपको आपकी बहन के यहाँ दौज खाने जाना पड़ेगा और रक्षाबंधन पर बहन आपके घर आपके आकर आपकी रक्षा का रक्षा सूत्र बांधेगी। तो ये दोनों कहानियाँ थी, पौराणिक कहानी। इन सारी कहानियों को आप शेयर करें, फिर आते हैं धार्मिक और पौराणिक कहानी के साथ। और दीपावली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रेम से बोलिए सीताराम, राधे कृष्ण, हर हर महादेव, हर हर महादेव।